नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने सी हेल्थ के कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताते हैं रोजमर्रा की लाइफ में पेश होने वाली उन तमाम बीमारियों के बारे में। आप उन बीमारियों से कैसे अवगत हो सकते हैं, कैसे आप उन बीमारियों से बच सकते हैं, आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर की जो सर्जरी होती है उसकी कब आवश्यकता पड़ती है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इसी चर्चा को खास बनाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है डॉक्टर हेमंत गोयल, जो कि कैंसर सर्जन है और सन कैंसर सेंटर बाग फरजाना में कार्यरत भी है। और आपको दर्शकों बता दें, इन्होंने एम्स हॉस्पिटल से प्रैक्टिस भी करी है, इसके बारे में जानकारी भी ली है। सबसे पहले हम दर्शकों डॉक्टर का स्वागत करना चाहेंगे। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि कैंसर बहुत प्रकार के होते हैं, तो इसी तरह से इनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग प्रकार से किया जाता होगा, तो उसमें सर्जरी की जो आवश्यकता होती है आखिर किस वक्त पड़ती है? कैंसर का जो ट्रीटमेंट है मुख्यतः तीन तरीके से होता है। एक इसमें सर्जरी होती है जो कि ऑपरेशन होता है, एक कीमोथेरेपी होती है जो कि नसों में इंजेक्शन के द्वारा दवाई दी जाती है, और एक तीसरा होता है रेडियोथेरेपी, जिसमें बाहर से किरणें होती हैं, विकिरण होता है जिससे कैंसर के सेल्स को जलाया जाता है। जी, तो इसमें डॉक्टर सर्जरी का क्या रोल होता है? सर्जरी कैंसर के इलाज में बहुत सारे रोल अदा करती है। सबसे पहले जब हम कैंसर की डायग्नोसिस करना चाहते हैं तो सर्जरी का रोल डायग्नोसिस में आता है, जो कि एक बायोप्सी के फॉर्म में आता है, एक पीस लिया जाता है जिसकी जांच होती है। डायग्नोसिस बनने के बाद सर्जरी का रोल आता है कैंसर की स्टेजिंग और ट्रीटमेंट में। कैंसर से ग्रस्त भाग को निकालने का काम ये सर्जरी ही करती है, ऑपरेशन से उस पार्ट को पूरी तरह निकाल दिया जाता है। जिन लोगों का कैंसर लाइलाज हो चुका होता है, उनको कुछ दिक्कतें होती हैं कि अब पेट में रुकावट आ गई है, आंतों में रुकावट आ गई है, उल्टियां हो रही हैं, कुछ खा पी नहीं पा रहे, तो उन लोगों में ये सर्जरी बाईपास करने का काम करती है, इसको हम पैलिएटिव सर्जरी कहते हैं। तो सर्जरी कैंसर के हर एक स्टेज से जुड़ी हुई है। जी डॉक्टर, अगर बात करें अगर सर्जरी के बारे में, तो लोगों में ये भ्रांतियाँ रहती हैं या ये भ्रम रहता है कि सर्जरी करवाने से उनका जो कैंसर है और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा, वो लोग डरते हैं सर्जरी करवाने से, तो इसके बारे में ये बहुत सही बात है। हमारे समाज में कैंसर की सर्जरी को लेकर बहुत सारी मिथक जुड़े हुए हैं। लोग सोचते हैं बायोप्सी नहीं करवानी चाहिए, बायोप्सी करवाने से और तेज़ी से कैंसर फैलता है। ये साइंटिफिकली बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कैंसर है वो शरीर का ही हिस्सा होता है, और जो उसके अंदर खून जा रहा होता है वो पूरे शरीर में फैल रहा होता है। बायोप्सी करने से या उसका ऑपरेशन करवाने से वो नहीं फैलता है। उसके अलावा दूसरा मिथक आता है कैंसर की सर्जरी नहीं करनी चाहिए, कि छेड़छाड़ हो जाती है सर्जरी के बाद और तेज़ी से फैलता है। ऐसा नहीं है, यदि ढंग से सर्जरी की जाए, पूरी सर्जरी की जाए, पूरा कैंसर निकल जाए, तो उसके फैलने की संभावना ना के बराबर होती है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत कमज़ोर है व्यक्ति, कि इतने कमज़ोर हैं ये सर्जरी कहाँ झेल पाएंगे इनकी, तो हम कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी करवा लेते हैं। तो इस बात पे मैं कहना चाहूँगा, यदि व्यक्ति सर्जरी झेलने के लिए सक्षम नहीं है तो वो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी झेलने के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, क्योंकि सबसे कम दिक्कत सर्जरी से ही होती है। सर्जरी की जो दिक्कतें होती हैं वो शॉर्ट टर्म होती हैं, और कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की दिक्कतें जीवन पर्यंत रहती हैं। उसके अलावा लोग कहते हैं कि इनकी उम्र बहुत हो गई है, अब सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। तो इस बात का भी कोई लॉजिक नहीं है। सर्जरी 90-92 किसी भी उम्र तक हो सकती है, और सर्जरी की जो प्रॉब्लम्स हों बहुत शॉर्ट लिमिटेड होती हैं और उसके बाद वो पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। जबकि रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी यदि ज़्यादा उम्र में दी जाए तो वो उसको नॉर्मली नहीं झेल पाते और पूरा ट्रीटमेंट तो कभी भी नहीं कर पाते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर, अगर बात करूँ सर्जरी के बारे में, रोबोटिक और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इसके बारे में जानना चाहूँगी कि आखिर ये कौन कौन सी सर्जरियाँ होती हैं, उनकी किस वक्त आवश्यकता पड़ती है? एक्चुअली सर्जरी बहुत प्रकार से होती है जी, लेकिन यदि हम देखें कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो, ओपन सर्जरी हो या रोबोटिक सर्जरी हो, सर्जरी इन सब में फ़र्क सिर्फ इतना है कि शरीर को उस बीमारी के अंग तक पहुंचने के लिए जो चीरा लगाया जाता है, ये उस चीरे का साइज़ छोटा बड़ा करती है। ओपन सर्जरी में बड़ा चीरा होता है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में छोटे चीरे से किया जाता है, और रोबोटिक सर्जरी में अलग अलग पोजीशन में जाकर रोबोटिक आर्म करता है। प्रिंसिपल तीनों सर्जरी का एक ही होता है, फ़र्क सिर्फ चीरे का रहता है। कैंसर सर्जरी में ज़्यादातर ऑपरेशंस ओपन सर्जरी के द्वारा होते हैं, क्योंकि उसमें हमें बड़ा हिस्सा निकालना होता है, जो कि लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक के छोटे छेद से निकालना संभव नहीं होता है। जी,
तो डॉक्टर ज्यादातर सभी सभी सर्जरी में जो कैंसर के जो रोग होते हैं अलग अलग होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है किसी को, या किसी को अगर गले का अगर कैंसर है तो उसके लिए क्या सिर्फ ओपन सर्जरी का ही की जाती है या और भी सर्जरी की जाती है? कुछ कैंसर्स होते हैं जैसे हमारे यहाँ, हम कैंसर के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा कॉमन हमारे यहाँ मुंह का कैंसर है। जी मुंह के कैंसर में लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी का कोई रोल नहीं है, ओपन सर्जरी होती है। इस सर्जरी के तीन पहलू होते हैं जहाँ मुंह के कैंसर की सर्जरी करते हैं। जी सबसे पहले जो कैंसर से ग्रसित भाग है उस भाग को पूरी तरह निकाला जाए, उसके बाद दूसरा पार्ट रहता है कि ये कैंसर के जो मुंह के कैंसर होते हैं फिर गले की गांठों में पहुँचते हैं, लिम्फ नोड पहुँच कहा जाता है। तो जो सेकंड स्टेशन होता है लिम्फ नोड डिसेक्शन, वो इसका एक अभिन्न पार्ट है। दो पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट होता है जो हमने गड्ढा या डिफेक्ट क्रिएट किया है जी उसको भरा जाए, जिसको रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। जी रिकंस्ट्रक्शन में भी तीन पहलू रहते हैं। सबसे पहला होता है कि ये फंक्शनल रिकंस्ट्रक्शन, कि मुंह का जी काम है खाना, जी तो सबसे पहले फंक्शन रिस्टोर किया जाए। जी उसके बाद है फॉर्म, जी कि जैसे एलिमेंट्स हैं कि आपका जबड़ा निकला है तो एक जबड़े को एक सॉलिड चीज़ से रिप्लेस किया जाए, जी तो वो फॉर्म, उसकी फॉर्म बनाई जाए। और तीसरा पार्ट आता है कॉस्मेसिस, कि वो जी दिखने में अच्छा लगे और उसको जी कॉस्मेसिस किया जाए। तो ये सारे पहलू मिलाकर एक ट्रेंड कैंसर सर्जन जो होता है इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उस हिस्से की सर्जरी करता है। जी डॉक्टर, अगर बात करूँ मुंह के कैंसर की, तो क्या मुंह का कैंसर जो होता है उसको उसका इलाज केवल सर्जरी ही होता है, क्या उसका दवाइयों से इलाज नहीं किया जा सकता? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली जी ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हम पहले कुछ और इलाज करवा लेते जी हैं, जी यदि वो इलाज फेल हो जाता है तो फिर सर्जरी करवाएंगे। जी ये बहुत ही गलत अप्रोच है। जी मुंह के कैंसर में सर्जरी के अलावा कोई और इलाज कारगर नहीं है। जी किसी और इलाज से टाइम वेस्ट होता है, इस दौरान बीमारी और बढ़ जाती है और वो लाइलाज हो जाती है। मुंह का कैंसर एक ठीक होने वाला कैंसर है, यदि समय रहते स्टेज 2 स्टेज 3 तक भी सर्जरी करवा ली जाए तो ठीक होने की बहुत अच्छी संभावना रहती है। जी डॉक्टर, अगर बात करें अगर कोई व्यक्ति अगर मुंह के कैंसर से ग्रसित है, अगर वो आपके पास सर्जरी के लिए आता है, तो उससे पहले उसे क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए? कैंसर की सर्जरी से पहले कोई विशेष तैयारियां नहीं होती हैं। जी सबसे पहले तो कैंसर की डायग्नोसिस होती है जो कि बायोप्सी से होती है। जी एक सीटी स्कैन वगैरह के द्वारा उसकी स्टेज होती है कि बीमारी कितनी फैली हुई है, क्या क्या चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। जी फिर उस मरीज के संग डिस्कशन होता है कि रिकंस्ट्रक्शन के वो क्या चाहता है, उसकी क्या उम्मीदें हैं रिकंस्ट्रक्शन से। सारी चीज़ें डिसाइड होने के बाद कैंसर सर्जरी प्लान की जाती है और उस मरीज का ऑपरेशन किया जाता है। जी दर्शकों, हम आपको बता दें आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है डॉक्टर हेमंत गोयल, जो कि कैंसर सर्जन है, जिनसे आज हम बात कर रहे हैं कि कैंसर के इलाज में सर्जरी का क्या रोल है, क्या भूमिका निभाती है सर्जरी, इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर, अगर बात करें अगर मुंह का अगर जो कैंसर होता है उसका सर्जरी करवाने के बाद उस व्यक्ति को क्या क्या फॉलोअप करने चाहिए कि ताकि उसको ये दोबारा ना हो? सबसे ज़रूरी है कि आप एक बार इलाज करवा लिया, आप ठीक हो गए, जी तो तंबाकू और शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। जी बहुत लोगों को मैंने देखा है कि ऑपरेशन हो गया, ठीक हो गए, साल 2 साल बाद फिर से तंबाकू खाना शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में बीमारी लौट आती है और जब वो लौटती है तो फिर वो लाइलाज होकर लौटती है। तो सबसे ज़रूरी बात है कि ऑपरेशन के बाद आप दोबारा तंबाकू का सेवन बिल्कुल शुरू ना करें। थोड़े समय तक तकलीफ रहती है, खाना पीना नाक की नली या पेट की नली के द्वारा चलता है, लेकिन एक बार मुंह से खाने पीने घाव भर जाते हैं तो 2-3 हफ्ते में मुंह से खाना पीना फिर से शुरू हो जाता है और कोई भी लंबे समय तक रहने वाली तकलीफ नहीं रहती है। जी तो डॉक्टर, अगर बात करें अगर उसको दवाइयाँ जो होती हैं अगर सर्जरी के बाद अगर चलती हैं तो उसकी लगभग कितने टाइम तक चलती हैं या उसको चेकअप के लिए कितनी बार आना चाहिए? जब एक बार ऑपरेशन हो जाता है जी तो उसके बाद कोई भी जीवन पर्यंत दवा नहीं चलती है। जी घाव सुखाने के लिए एंटीबायोटिक्स, दर्द की दवा, ये सब 10-15 दिन चलती हैं, उसके बाद सारी दवाएं बंद हो जाती हैं। जी इस बीमारी में 100% नहीं होता कि बीमारी लौटेगी नहीं। जी लेकिन बीमारी जब भी लौटती है तो अगर उसका शुरुआती अवस्था में पता चल जाए तो फिर से इलाज हो सकता है। जी इसलिए फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। ऑपरेशन के बाद हर 2-3 महीने में डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाना चाहिए। उसमें कोई जांचें नहीं होती हैं, सिर्फ डॉक्टर उसको एग्जामिन करते हैं और कोई उन्हें डाउटफुल चीज़ लगती है तो उस चीज़ की जांच करके इलाज किया जा सकता है। जी तो डॉक्टर, इसके प्रति अगर मैं बात करूँ अवेयरनेस की, तो लोगों में कितनी अवेयरनेस है आपसे सर्जरी करवाने के बाद, वो लोग अगर दोबारा किसी को कैंसर होता है या दोबारा आपके पास चेकअप करवाने आते हैं या नहीं आते हैं, या इसके बारे में जानना चाहूँगा? हम ये देखें कि 100 में से 60 लोग बहुत अवेयर रहते हैं। जी वो ऑपरेशन के बाद रेगुलर डॉक्टर के पास आते हैं, चेकअप करवाते हैं, दिखाते हैं और ज़्यादातर उनमें से ठीक रहते हैं।
कुछ लोग होते हैं जो एक बार ऑपरेशन हो गया, ठीक हो गया, तो चले जाते हैं, दोबारा नहीं आते। ऐसे लोगों में होता है जब कोई बीमारी लौटती है तब वो दोबारा डॉक्टर के पास आते हैं। तो ज़्यादातर इस स्थिति में जब तक उन्हें पता चलता है कि बीमारी लौट रही है वो काफ़ी देर हो जाती है, तो रेगुलर फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। जी, डॉक्टर के साथ अगर बात करूं, कुछ महिलाएं जो होती हैं अगर उनको कैंसर होता है, उस जगह पे जख्म होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो उनके घरेलू जो लेप होते हैं उनको वो लगा लेती हैं और इलाज नहीं करवाती हैं डॉक्टर से, वो सोचती हैं कि इसी से वो सही हो जाएगा। तो मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी कि क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों को। ये हमारे समाज में मैंने प्रैक्टिस में देखा है कि पहले कहते थे कि एक फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया, उस पर गर्म पुल्टिस बांध ली, वो फूट गया, निकल गया, वो उसका नेचुरल वो है। कुछ लोग उसी चीज़ को आगे एक्सटेंड करके कैंसर की कोई गांठ होती है गाल में हो या स्तन में हो तो उसके ऊपर लेप लगा लेते हैं कुछ पत्तों और उसका जी। लेप से बीमारी तो कम नहीं होती, उल्टे उस जगह की खाल खराब होकर वो खाल और जल जाती है, तो आगे का इलाज और मुश्किल हो जाता है। जी, तो बिल्कुल ही इस तरह का लेप बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, इससे बहुत नुकसान होते हैं। जी दर्शकों, हम आपको बता दें आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है डॉक्टर हेमंत गोयल, जो कि कैंसर सर्जन है, जिनसे आज हम बात कर रहे हैं कैंसर सर्जरी के बारे में, क्या कैंसर सर्जरी की कब आवश्यकता पड़ती है, क्या भूमिका निभाती है कैंसर में, इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। मगर दर्शकों, अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्प में। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। दर्शकों, आपको बता दूं आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है डॉक्टर हेमंत गोयल, जो कि कैंसर सर्जन है, जिसे आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कैंसर में सर्जरी की आवश्यकता क्यों होती है, क्या भूमिका निभाती है, इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ आज हम बात करेंगे, इसके साथ डॉक्टर बात करना चाहूंगी मैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, आखिर ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी की क्यों आवश्यकता होती है। ब्रेस्ट कैंसर हमारे देश में महिलाओं में होने वाला सबसे नंबर एक पे होने वाला कैंसर है, और ये एक कैंसर है जो बिना सर्जरी के ठीक नहीं होता जी। इस वाक्य का सिर्फ इतना मतलब है, ये एक ऐसा कैंसर है जो बिना सर्जरी के ठीक नहीं होता। तो इसमें कोई भी इफ्स एंड बट्स नहीं है, लोग टालते रहते हैं, सर्जरी नहीं करवाते, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर का सबसे अच्छा इलाज सर्जरी ही है। आजकल बहुत तरह की सर्जरी होती है ब्रेस्ट कैंसर में, पहले पूरा ब्रेस्ट निकालने की सर्जरी रहती थी, आजकल साइंस में एडवांसमेंट हो गए हैं, अब हम ब्रेस्ट बचा लेते हैं, जिसको ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कहते हैं, और अब उससे भी ऊपर एक स्टेज आ गई है जिसको ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टी कहते हैं, कि ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी के बाद जो भी गड्ढा बनता है उसको ऑन्कोप्लास्टी या प्लास्टिक सर्जरी करके भर दिया जाता है ब्रेस्ट के ही टिश्यूज़ को लेकर, तो बिल्कुल पहले और बाद के ब्रेस्ट में कोई फ़र्क नहीं लगता, और इसमें बीमारी के इलाज में भी कोई कमी नहीं है कि अगर आप पूरा ब्रेस्ट निकलवाएं या इस तरह की एडवांस सर्जरी करवाएं तब भी रिजल्ट बिल्कुल सेम है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं जी। डॉक्टर, इसके अगर बात करूं, इसके जो डॉक्टर जो होते हैं ब्रेस्ट कैंसर की जो सर्जरी करते हैं, क्या कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाए जाते हैं या कोई स्पेशल डॉक्टर होता है इसके लिए, या कोई भी सर्जन है वो कर सकता है ये सर्जरी। यदि हम देखें पुराने समय से कि ब्रेस्ट की सर्जरी जनरल सर्जन भी करते हैं, गाइनी सर्जन भी करते हैं और कैंसर सर्जन भी करते हैं जी, लेकिन तीनों की सर्जरी करने में लेवल का फर्क है। जनरल सर्जन और गाइनी सर्जन जनरली ब्रेस्ट पूरा निकाल देते हैं या उस गांठ को निकाल देते हैं। जब आप ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट कैंसर सर्जन के पास जाते हैं तो वो गांठ निकालता है जिस तरीके से निकालनी चाहिए, उसके बाद उस गड्ढे को भरता है, प्लस जो बगल में गांठों का लिम्फ नोड डिसेक्शन होता है उसका करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। और ये बात प्रूवन भी है कि कैंसर सर्जरी हमेशा एक ट्रेंड कैंसर सर्जन से ही करवानी चाहिए। सर्जन एक बड़ा, बहुत बड़ा प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है कैंसर की रोकथाम में जी। डॉक्टर, का सर्जरी की बात करूं, अगर ब्रेस्ट कैंसर की अगर सर्जरी की जाती है तो उसमें लगभग कितना समय लग जाता है। सर्जरी उस पर डिपेंड करती है क्या सर्जरी की जा रही है, नॉर्मली 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में ब्रेस्ट कैंसर की सभी तरह की सर्जरी पूरी हो जाती है जी। उसके बाद अगर बात करूं, अगर सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद उस महिला को क्या क्या प्रिकॉशन अपनाने चाहिए। जब कैंसर का ट्रीटमेंट होता है तो कैंसर दो तरह के हम कैंसर के ट्रीटमेंट में बात करते हैं, एक तो होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट जो कि मेन ट्रीटमेंट होता है, और एक होता है एडजुवेंट ट्रीटमेंट जो कि सहायक ट्रीटमेंट होता है जी। तो ज़्यादातर ब्रेस्ट हुआ, मुंह का कैंसर हुआ, इन सब में जो सर्जरी है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट है,
ये उस बीमारी को निकाल देती है। फिर एक सहायक ट्रीटमेंट होता है कि यदि कुछ सेल्स ब्लड के थ्रू शरीर के किसी और हिस्से में चले गए हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर में हो सकता है स्टेज के अनुसार, तो उन महिलाओं में बीमारी दोबारा नहीं लौटे उसके लिए सहायक ट्रीटमेंट किया जाता है जिसको एडजुवेंट ट्रीटमेंट कहते हैं और वो कीमोथेरेपी के फॉर्म में होता है। जी। कुछ कैंसर्स में जैसे मुंह के कैंसर हुए या ब्रेस्ट के कैंसर्स में लिम्फ नोड्स हुए या ब्रेस्ट कंजर्वेशन किया, तो उसमें एडजुवेंट ट्रीटमेंट के फॉर्म में रेडियोथेरेपी भी यूज़ में आती है। लेकिन ये एडजुवेंट ट्रीटमेंट जो रेडियोथेरेपी है या कीमोथेरेपी है, ये सर्जरी को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, बिना सर्जरी के ये बीमारी ठीक नहीं कर सकते, ये सिर्फ सहायक होते हैं, इसलिए इनको एडजुवेंट ट्रीटमेंट कहा जाता है। जी बिल्कुल डॉक्टर, अगर बात करूँ अगर सर्जरी के बाद, जैसे आपने बताया कि एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है या कीमोथेरेपी की जाती है, तो जब सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो कैंसर के टिश्यूज़ होते हैं वो बॉडी का ही पार्ट होते हैं, शरीर का हिस्सा होते हैं, उसके से ब्लड जाता भी है, वही ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट भी होता है। तो कभी कभी ऐसे चांसेस होते हैं कि कुछ सेल्स शरीर में कहीं और चले गए हों या आसपास हों, जो कि किसी भी जाँच या टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट नहीं हो सकते, अनडिटेक्टेबल हों, और सर्जरी से हम एक एरिया निकाल देते हैं, उस एरिया के बाहर यदि कोई सेल्स हैं जो कि किसी अनडिटेक्टेबल हैं, उनको ख़त्म करने के लिए सहायक ट्रीटमेंट या एडजुवेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है जो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के फॉर्म में हो सकता है। जी डॉक्टर, अगर बात करें बहुत से लोगों को कीमो करवाते वक्त उनको तकलीफ होती है, तो मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी कि ऐसा क्यों होता है? एज अ सर्जन यदि मुझसे पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा दिक्कत कीमोथेरेपी के मरीजों को होती है कि उनमें नसें नहीं मिलती। जी। एक बार कीमोथेरेपी लग जाती है तो नसें खराब होने लगती हैं और दो या तीन या चार साइकिल होते होते बिल्कुल नसें नहीं मिलती और कीमो चढ़ाने में बहुत दिक्कत और तकलीफ़ होती है। तो इसके लिए एक बड़ा सरल सा उपाय है जिसको कीमो पोर्ट कहते हैं या पिक लाइन कहते हैं। तो ये आदमी अगर पहले ही डलवा ले सर्जरी में, कीमो पोर्ट डलवा ले या बाद में कीमो पोर्ट डलवा ले किसी भी कैंसर सर्जन से, तो फिर आगे ये नसों की दिक्कत ख़त्म हो जाती है, फिर कोई भी कीमो उसको नस से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कीमो पोर्ट के थ्रू दी जाती है और ये कीमो पोर्ट शरीर में बाहर से बिल्कुल भी नहीं दिखता, अंदर रहता है आपके सीने के पास, अंदर इम्प्लांट हो जाता है और इसमें से मेडिसिन दी जाती है, कभी नस में कोई इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया था कि अगर मुंह का कैंसर होता है उसकी सर्जरी करवाने के बाद जो पेशेंट होता है उसको आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आना चाहिए या एक साल में एक बार चेकअप के लिए आना चाहिए, इसके साथ अगर बात करूँ ब्रेस्ट कैंसर की जो महिलाएँ होती हैं उनका अगर सर्जरी हो जाती है उसके बाद, क्या उनको भी ऐसा फॉलोअप अपनाना चाहिए? फॉलोअप ब्रेस्ट कैंसर में भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें जनरली क्या होता है, हर तीन महीने में आप डॉक्टर को आके एक बार दिखाएं, अपना चेकअप करवाएं, कोई गांठ वगैरह महसूस होती है तो डॉक्टर उसका इलाज कर सकते हैं। दूसरे तरफ के ब्रेस्ट की साल में एक बार मैमोग्राफी या अब एक नई टेक्निक आ गई आई ब्रेस्ट एग्जाम के थ्रू जाँच करवानी चाहिए और हर छः महीने में एक पेट का अल्ट्रासाउंड और छाती का एक्सरे करवाना चाहिए ताकि कोई बीमारी कहीं फैल के आ रही है तो उसके बारे में समय रहते पता किया जा सके। क्या डॉक्टर ये दोबारा हो सकती है अगर सर्जरी करवा ली उसके बाद भी क्या होने के चांसेस रहते हैं इसके भी? हाँ, कैंसर में संभवता रहती है क्योंकि वही बात है कि शरीर में कहीं और सेल्स हैं जो कि डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं, धीरे धीरे ग्रो करके बढ़ गए हैं, तो वो एक रिस्क रहती है हमेशा, इसलिए चेकअप करवाना चाहिए। जी। रिस्क बहुत कम होती है, स्टेज के हिसाब से होती है, फर्स्ट स्टेज में 10% से भी कम रिस्क है, सेकेंड स्टेज में 20%, थर्ड स्टेज में करीब 30% रिस्क होती है। जी। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेज में करीब 90 लोगों को कभी नहीं लौटेगा, सेकंड स्टेज में 80 को कभी नहीं लौटेगा, तो हमें ध्यान ये रखना है कि ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं, फिर भी कुछ लोगों में लौटने की संभावना रहती है, इसलिए रेगुलर फॉलोअप जरूरी है। जी डॉक्टर, इसके साथ अगर मैं बात करूँ अगर जो कैंसर से जो पीड़ित मरीज होते हैं या अगर सर्जरी के बाद अगर उनका जो डाइट होती है खान पीने के बारे में अगर बात करूँ, तो क्या उनकी कोई स्पेशल डाइट होती है या नॉर्मली जो खाते हैं वो खा सकते हैं? कैंसर के मरीजों की कोई स्पेशल डाइट नहीं होती। जी। लेकिन उन्हें डाइट में तीन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जो हम सभी को रखना चाहिए। जी। एक तो खाने में फैट की मात्रा कंट्रोल करें, वसा ज़्यादा नहीं खाएं, ज़्यादा चिकनाई युक्त चीज़ें नहीं लें। जी। फल और सब्जियां का ज़्यादा सेवन करें, एंटीऑक्सीडेंट्स इनमें काफ़ी होते हैं, मिनरल्स होते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों में खास तौर से, और रंगीन फल से पपीता हुआ, अंगूर हुए, ये फल ज़्यादा खाने चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपने वज़न को कंट्रोल रखना चाहिए क्योंकि ओबेसिटी भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कैंसर के लिए। जी डॉक्टर्स के साथ अगर मैं बात करूं अगर कैंसर सर्जरी के लिए जो अभी कितनी नई नई तकनीकें आई हैं और अभी इसके लिए और कौन कौन से नए ऑपरेशन या सर्जरी कौन कौन सी नई आई हैं?
आम तौर पे अभी जो कैंसर की सर्जरी बहुत एडवांस्ड हो चुकी है, पहले जो हम देखते थे टेढ़े मेढ़े मुंह वाले शरीर में तरह तरह की विकृति होने वाली, आजकल उस तरह की सर्जरी हमें दिखाई नहीं देती है। हर सर्जरी के साथ बहुत अच्छे रिकंस्ट्रक्शन के ऑप्शंस हो गए हैं, तो आम तौर पर देखने पर पता ही नहीं चलता कि इनकी कैंसर की सर्जरी हुई है, और व्यक्ति समाज में अपना सामाजिक पारिवारिक दायित्व पूरी तरह निभा सकता है, काम कर सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कतें आती नहीं है। तो सर्जरी में बहुत एडवांसेस आए हैं। जी डॉक्टर सीधा, अगर मैं बात करूँ कैंसर के बारे में, तो आपके पास मरीज कब आते हैं, उनको क्या ऐसा महसूस होता है, लक्षण उनको लगते हैं कि तब आते हैं, या पहले खुद अपने आप घर पे इलाज करते हैं उसके बाद आते हैं कि कुछ मेरे को प्रॉब्लम है डॉक्टर, तब आते हैं आपके पास? ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी विडंबना है। जी कुछ कैंसर जैसे ब्रेस्ट का कैंसर हुआ, मुंह का कैंसर हुआ, बहुत जल्दी हम लोगों को पता चल जाते हैं, जी लेकिन आम तौर पर किसी स्पेशलिस्ट कैंसर सर्जन के पास या कैंसर के स्पेशलिस्ट के पास पहुंचने में मरीज़ को 4 से 6 महीने लग जाते हैं। जी सबसे पहले तो उसका मन ही नहीं मानता कि मुझे कैंसर हो सकता है, जी तो वो जांच करवाने से डरता है, जी पहला रोड ब्लॉक वहाँ आ गया। जी उसके बाद उसको 4 लोग सलाह देने वाले मिल जाते हैं कि जी उस बाबा के पास चले जा, उस जी हकीम के बिल्कुल पास चले जा, जी वहाँ चले जा। जी तो पहले वो 1-2 महीने वहाँ ट्राई करने जाता है, फिर जब बीमारी बढ़ती जाती है फिर किसी जनरल डॉक्टर के पास पहुँचता है, वो कुछ जाँच करता है, जब वो बायोप्सी के लिए बोलता है डॉक्टर तो वो फिर घर बैठ जाता है 1-2 महीने की, नहीं मेरे को बायोप्सी नहीं करवानी। जी जब पीड़ा असहनीय होने लगती है, 4-6 महीने निकल जाते हैं, तब वो किसी स्पेशलिस्ट के पास पहुँचते हैं, जी और तब तक बीमारी जो पहली अवस्था में पकड़ी जा सकती थी फर्स्ट स्टेज में, वो जी 3rd स्टेज तक पहुंच जाती है, और कभी कभी तो 4th स्टेज में पहुंच के लाइलाज भी हो जाती है। जी तो मैंने आमतौर पर देखा है कि लोग 4 से 6 महीने का डिले कैंसर के उनको पहली बार शक होने और एक ट्रेन डॉक्टर के पास पहुंचने में लगा देते हैं। जी अगर डॉक्टर महिलाओं की बात करें, तो महिलाओं में भी काफ़ी जो इन सब टॉपिक पे बात करने में वो असमंजस करती हैं, बात खुलकर नहीं कर पाती हैं, तो क्या ये भी बोल सकते हैं कि इस कारण भी वो देर होती है उनको आने में? बिल्कुल होती है, महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। जी महिला अपने स्वास्थ्य को सबसे पीछे रखती है परिवार में, जी पहले सब चीज़ परिवार की हो जाएंगी फिर महिला अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखती है। और महिलाओं में होने वाले कैंसरों में आम तौर पर शुरू में दर्द नहीं होता, जी अगर कोई ब्रेस्ट में गांठ है तो उसमें दर्द नहीं होता, यदि कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज आ रहा है तो उसमें भी दर्द नहीं होता। तो ऐसी चीज़ों को महिलाएं छुपा जाती हैं और बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और जब बिल्कुल असहनीय हो जाती है तब वो पहुंचती हैं, तब तक बीमारी की स्टेज काफ़ी बढ़ जाती है। जी डॉक्टर, अगर बात करूँ उनके कारणों की एक बार, तो आखिर क्या कारण होते हैं, किस वजह से ये कैंसर जो है ब्रेस्ट कैंसर है जो बनता है? ब्रेस्ट कैंसर का सबसे मुख्य कारण है आपका फीमेल सेक्स। आप महिलाएं हैं तो ब्रेस्ट कैंसर होने की आप में संभावना ज़्यादा है, बढ़ती उम्र के संग ये कैंसर ज़्यादा होता है। इसमें 2-3 मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं जिनको हम मॉडिफाई करके कैंसर से बच सकते हैं। ओबेसिटी ब्रेस्ट कैंसर का एक मेजर रीज़न है, हमारे खाने में अब फैट की मात्रा बढ़ती जा रही है, हमारा लाइफ स्टाइल बिल्कुल पाश्चात्य शैली का होता जा रहा है, जी बिल्कुल उसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है। तो ये हमारे हाथ में है कि हम उस चीज़ को कंट्रोल करें। मोटापा ब्रेस्ट कैंसर का एक मेन कॉज है, इसको जी कंट्रोल करें। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी फैक्टर्स हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम रेगुलर स्क्रीनिंग करें। एक अच्छी हैबिट अपनाएं कि 40 साल के बाद हर महिला को अपनी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, और इस तरीके से हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेक्ट भी कर सकते हैं और प्रिवेंट भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर्स के साथ अगर बात करूं, अगर आजकल हमारे ताज नगरी में भी, हमारे पूरे भारत में भी पॉल्यूशन काफ़ी देखा जा रहा है, तो क्या हम एक तरह से बोल सकते हैं कि पॉल्यूशन भी हो सकता है इसका कारण? पॉल्यूशन ब्रेस्ट कैंसर का कारण नहीं है, नहीं कैंसर का? पॉल्यूशन जी कैंसर में बिल्कुल पॉल्यूशन एक कारण बनता है, लंग कैंसर का एक कारण है पॉल्यूशन, स्मोकिंग लंग कैंसर से एसोसिएटेड है, जी पॉल्यूशन भी एक तरीके से पैसिव स्मोकिंग है, लंग कैंसर करता है। हमारे खाने पीने में बहुत सारे तरह के पेस्टिसाइड्स कीटनाशक वगैरह हैं जो ग्राउंड वाटर में पहुंच चुके हैं और फल सब्जियों खाने के द्वारा हमारे अंदर पहुंचते हैं, ये बहुत तरह के ब्लड कैंसर करने में इनका रोल रहता है, ल्यूकीमियाज लिम्फोमाज में इन पेस्टिसाइड्स का। तो पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट खराब होना, वाटर पॉल्यूशन, ये सब कैंसर में तो सहायक हैं ही।
जी बिल्कुल। दर्शकों आज हम आपको बता दें हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर हेमंत गोयल, जिनसे आज हमने बहुत सारी बातें करी कि आखिर कैंसर में सर्जरी का क्या रोल होता है, कैंसर किस वजह से होता है और सर्जरी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आज हमने बहुत सारी जानकारियाँ ली। दर्शकों मगर वक्त तो चला आपसे विदा लेने का, इसी के साथ डॉक्टर मैं जानना चाहूँगी कि चलते चलते हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। आमतौर पर जो हम कैंसर देखते हैं उनका मुख्य इलाज सर्जरी है। जितनी जल्दी सर्जरी करवाएंगे उतनी कम तकलीफ होगी, उतना ठीक होने का ज़्यादा चांस रहेगा, इसलिए सर्जरी से डरे नहीं। यदि डॉक्टर ने सर्जरी एडवाइस किया तो तुरंत बिना डिले करे एक ट्रेंड कैंसर सर्जन से सर्जरी करवाएं। जी बिल्कुल। दर्शकों फिलहाल आज हमारे सी हेल्थ में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।